कोरम पूरा न होने के अभाव में कई बार स्थगित हो चुकी ब्लॉक पहला में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक में आखिरकार बुधवार को बीडीसी प्रधान कार्ययोजना बनाने में सफल रहे। हालांकि कुल 186 प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्यों में से बैठक में 63 की उपस्थिति रही। अब कार्ययोजना जिला पंचायत में अनुमोदन के लिए भेजे जाने के बाद क्षेत्र में विकास कार्य होने की उम्मीद जग गई है। ब्लॉक पहला में ब्लॉक प्रमुख राघवेंद्र यादव के साथ ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक हुई। ब्लॉक अधिकारियों ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आज जो क्षेत्र पंचायत की बैठक बुलाई गई थी, इसके पूर्व में 25 अगस्त को यहाँ बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक भी कोरम की वजह से स्थगित कर दी गई थी। उसी के कंटिन्यूटी में आज की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में जो भी निर्धारित एजेंडे थे सब पर चर्चा हुई और कार्ययोजना इन लोगों द्वारा सदम सम्मान से जो कार्ययोजना दी जाएगी उसको समृद्ध करते हुए कार्ययोजना तैयार करके जिला पंचायत को भी प्रेषित कर दी जाएगी और उसको वेबसाइट पर अपलोड करा दिया जाएगा। आज की बैठक एक्चुअली एक नियमावली है कि यदि कोई बैठक उसमें डेकोरम में स्थगित की जाती है तो अगली बैठक में बिना मतलब कोरम के भी वो बैठक की जा सकती है। उसी नियमावली के आलोक में आज की ये बैठक की गई है। सर कितने बीडीसी उपस्थित रहे, कितने प्रधान उपस्थित रहे? 5 प्रधान उपस्थित थे, 2 उपस्थित रहे। इससे पहले कोरम के अभाव में कई बार मीटिंग स्थगित हो चुकी है। आपको बता दें कि ब्लॉक में 91 प्रधान व 95 क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मिलाकर कुल 186 सदस्य में से 63 की उपस्थिति अनिवार्य थी। मामले को संवेदनशील देखते हुए सुबह से ही रामपुर कला एसओ जितेंद्र सिंह व अटरिया कमलापुर व सिधौली पुलिस के भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई थी। सिर्फ प्रधान व सदस्यों को ही ब्लॉक में प्रवेश दिया गया था। एसडीएम महमूदाबाद मिथिलेश त्रिपाठी, बीडीओ विवेक मणि त्रिपाठी, एडीओ एजी राजकुमार, प्रभारी एडीओ पंचायत लवकुश मौर्य, सुपरवाइजर शैल कुमारी, ब्लॉक मिशन प्रबंधक ऋषेंद्र द्विवेदी तथा उपेंद्र यादव, संतोष यादव, मोहम्मद जावेद, राजकुमार, शालिनी रावत, अरुणेश यादव आदि क्षेत्र पंचायत सदस्य व प्रधान उपस्थित रहे। बैठक के बाद ब्लॉक प्रमुख ने आई इंडिया से क्या कहा वह आप भी सुने। ब्लॉक पाला की बैठक थी और उसमें कई वीडियो पर चर्चा हुई जिसमें कार्य योजना पास करने की भी चर्चा हुई है। हमारी बैठक संपन्न हुई है, उसके अब कार्य योजना भी मांगी गई है। क्षेत्र पंचायत अपनी कार्य योजना देंगे, उसके देने के बाद अनुमोदन लिए जिले पे जाएगी, जिले से होगा तुरंत इस पे कार्य शुरू किया जाएगा जिससे क्षेत्र का विकास हो। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।